रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो पर आपका स्वागत है मैं शशि मिश्रा फ्रॉम सीपीपीएस रांची यूनिवर्सिटी से तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट फाइव जो है वो देख रहे हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजा था जो कि बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस है और उस तरह के क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं जो कि मिनिमम एक नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर वन को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर वन जो दिया गया है कि चार गर्ल हैं और चार बॉयज हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं सेंटर की ओर फेस करके जिसमें से कोना पे या अर्थात चार जो है वो कॉर्नर होगा और और चार लोग जो कॉर्नर पे बैठेंगे और बाकी चार लोग वो मिडिल में बैठेंगे तो यहाँ पे टोटल पर्सन हो गए आठ अर्थात सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक है जो हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें से आठ प्लेस है जो हम लोगों को बनाना है चार कॉर्नर पे और चार मिडिल में चार कॉर्नर और चार मिडिल इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि कॉर्नर इम्पॉर्टेंट होता है कॉर्नर इम्पॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि कभी भी डाइगोलि जो होता है अर्थात तिरछा कोना कोनी जिसको हम लोग कह सकते हैं विकर्णवत वो हमेशा ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में आमने सामने है या विकर्णवत है ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि हम लोग किसी पर्सन को कहाँ पे बिठा रहे हैं तो कहीं भी विकर्णवत कहा गया डाइगोलि कहा गया तो वो कॉर्नर पे ही होगा कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ पर्सन्स अंदर देखते हैं और कुछ पर्सन्स बाहर देखते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ बोला गया है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है मधु जो है वो डायगोनली बैठी हुई है उषा के ठीक सामने डायगोनली यानी विकर्णवत कोना कोनी तिरछा कोना कोनी है जो बैठेगा तो किसी भी एक कॉर्नर पे हम लोग मधु को करेंगे मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में अपर में मधु को ले लिए। लेफ्ट साइड में अपर में अगर हम लोग मधु को लेते हैं तो राइट साइड लोअर में है जो वो हो जाएगी उषा क्योंकि तभी है जो ये विकर्णवत होगा उसके बाद कहा गया है जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है हु इज सिटिंग राइट टू द गीता यहाँ पे जो जो आया है यानी हु आया है जो मधु जो है वो उषा के ठीक सामने डायगोल है जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है हु इज सिटिंग राइट टू द गीता अर्थात ये गीता के राइट में कौन है मधु या उषा तो जो जब भी आता है वो जस्ट बगल वाले के लिए आता है यानी ये उषा जो है वो गीता के इमीडिएट राइट में है तो उषा कॉर्नर में बैठी हुई है उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो गीता हो जाएगी अर्थात गीता के राइट में उषा हो गई गीता से बाई और राय गोपी के सामने है गीता जो है उसके ठीक बायां अगर यहाँ है बाई ओर बोला गया यानी तुरंत बायां हम लोग लेंगे जो राय है वो सामने है किसके गोपी के अब यहाँ राय जो है वो कॉर्नर पे बैठ गया है ना लेफ़्ट लोअर कॉर्नर पे बैठ गया है तो यहाँ पे जो गोपी है वो राइट साइड में अपर कॉर्नर में हो जाएगा क्योंकि आमने सामने की बात किया गया डाइगोनली भी होगा और यहाँ पे ये अपोजिट सामने भी हो जाएगा अपोजिट को हम लोग सामने भी कहते हैं सुमा की जो स्थिति है वो मधु के दाहिने नहीं है सुमा जो है वो मधु के दाहिने नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मधु के दाहिने नहीं है तो मधु के बाएं हो सकती है चूँकि अभी तीन जगह बच रहा है मधु के दाहिने नहीं है तो एक मधु के बाएं और एक जगह बच रहा है उषा के दाएं बोला गया कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है लेकिन अब ये प्रेमा के सामने बोल दिया गया अर्थात मधु के न दाएँ बैठेगी और न बाएँ बैठेगी ये उषा के दाहिनी ओर बैठेगी कौन सुमा और ये किसके सामने है प्रेमा के इसके अपोजिट में हो गई प्रेमा एक पर्सन बच गया कौन बोस और एक ही जगह बचा है जो कि मधु और गोपी के बीच में है तो ये अब है जो सारे के सारे आठ पर्सन यहाँ बैठ गए अब पूछा गया है कि बोस के सामने कौन है तो बोस के सामने यहाँ है गीता यही हमारा जवाब हो जाएगा आंसर गीता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि यहाँ पे गोलाकार है जो व्यवस्था है अरेंजमेंट जो है वो सर्कुलर में है जिसमें से तीन बॉयज हैं बी वन बी टू और बी थ्री और तीन गर्ल्स हैं G1, G2 और G3 किसी रात्रि भोज के लिए कर्मानुसार बैठे हैं कर्मानुसार बैठे हैं कहने का अर्थ ये हुआ कि इन लोगों का जो पोजीशन है बॉयज़ और गर्ल्स का बैठने का वो पहले बॉयज़ बैठेंगे फिर बी वन फिर उसके बाद बी टू उसके बाद बी थ्री लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बी वन बी टू के बीच में कोई गर्ल्स नहीं होंगी बी वन और बी टू के बीच कोई गर्ल्स हो सकती हैं लेकिन B2 पहले बैठे उसके बाद है जो B1 या B3 बैठे ऐसा नहीं पहले B1 फिर B2 और फिर B3। थ्री ये हो गया कर्मानुसार बैठे हैं क्रम जो है वन टू थ्री का चलेगा गर्ल्स का भी उसी तरह से ग, ग, G1 G2 G3। ऐसा नहीं होगा कि कहीं G3 फिर G1 फिर G2 ऐसा नहीं हो पाएगा अब यहाँ पे बोला गया है तो लड़का बॉयज़ जो है बी थ्री और गर्ल्स जी थ्री की क्या पोजीशन होगी यदि दो लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठती हैं अगर यहाँ पे दोनों गर्ल्स बोला गया है कि अगर एक साथ नहीं बैठती हैं तो क्या पोजीशन होगा तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ देख लिए कि छः पर्सन है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले किसी को भी बिठाते हैं या तो B1 बैठेगी बैठेगा या G1 बैठेगी तो अगर हम लोग B1 बिठाते हैं तो अब जीवन जो है या तो उसके लेफ्ट साइड में होगी या तो राइट साइड में होगी दोनों ही यहाँ पे हो सकता है क्योंकि दो गर्ल्स तो एक साथ नहीं बैठेंगी लेकिन गर्ल्स जो है या तो वो राइट right साइड से है जो सर्कुलर है तो राइट right साइड से चल सकता है या फिर लेफ़्ट साइड से चल सकता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक और सर्कल है जो हम लोग बना लेंगे जिसमें से B1 को बिठा दिए अब एक सर्कल में हम लोग लेफ़्ट साइड से चलेंगे और एक सर्कल में हम लोग राइट right साइड से चलेंगे पहले सर्कल में अगर देखते हैं तो B1 और इसके राइट साइड में अगर लेते हैं तो G1 फिर इसके राइट साइड में अगर इसके फिर राइट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो फिर B2 फिर उसके राइट साइड में देखेंगे तो G2 बैठेगी गर्ल टू फिर देखेंगे तो बॉयज थ्री और उसके बगल में जो है वो गर्ल थ्री बैठेगी ये हम लोग राइट से चले हैं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग चले हैं तो अब क्लॉक वाइज अगर हम लोग लेते हैं तो पहले B1, उसके बाद G1, ये है जो चल रहा है लेफ्ट साइड अर्थात एंटी क्लॉक वाइज फिर B2, उसके बाद फिर गर्ल थ्री सॉरी गर्ल टू जी टू, उसके बाद फिर B3, थ्री बॉयज तीन और फिर उसके बाद हो जाएगा गर्ल थ्री अब यहाँ पे एक जो कंडीशन चला हमारा लेफ़्ट साइड से और एक चला हमारा राइट right साइड से अर्थात एक चला क्लॉकवाइज और दूसरा चला एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों ही कंडीशन यहाँ पॉसिबल है अब यहाँ पे पूछा गया है कि B3 लड़की और G3 की क्या स्थिति होगी यदि दोनों लड़कियाँ दो लड़कियाँ एक साथ ना बैठे तो B3 का अगर हम लोग पोजिशंस अगर देखते हैं तो B3 का जो पोजिशंस होगा Osionfish. अगर हम लोग क्लॉक वाइज के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो क्लॉक वाइज के हिसाब से B3 का पोजीशन जो होगा वो हो जाएगा पाँचवा है ना वो हो जाएगा पाँचवा और G3 का जो पोजीशन हो जाएगा वो G3 का पोजीशन जो होगा वो हो जाएगा छठा बीप। और उसी तरह से अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज के हिसाब से अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमारा जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा बाय थ्री का पाँचवा और छठा यानी दोनों ही कंडीशंस में वही आ जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो बोला गया है कि सात सदस्यों का एक समूह है एक समूह है जो कि एक पंक्ति में बैठा हुआ है एक रो में बैठा हुआ है एक्स के स्थिति जो है वो वाई के लेफ्ट है तो यहाँ पे सेवन पर्सन है जो कि रो में बैठे हुए हैं तो एक रो लेंगे जिसमें से हम लोग सेवन प्लेस बनाएंगे और अलग से है जो हम लोग इसको लिखना चालू करेंगे एक्स की स्थिति y के बाई ओर है और पर वह o के दाइनी ओर है पर पर अर्थात लेकिन बट जहाँ पे भी पर किंतु परंतु लेकिन आता है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है वह पर वह ओके दाहिनी ओर है अर्थात यहाँ एक्स जो है वो वाई के बाई ओर है लेकिन यहाँ लेकिन जो आया पर जो आया वह किसके लिए आया एक्स के लिए आया ये जो एक्स है वो ओके राइट right साइड है पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है परंतु एन के बाई ओर है और एम की स्थिति जेड के बाई ओर है जो ओ के बाई ओर है लेफ्ट साइड है तो पूछा गया है कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट बीच में मिडिल में पर्सन है वो कौन है